क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो पटना पहला बार आए हैं। हेलो गाइस, आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गांधी मैदान, जो कि बहुत बड़ी पटना में एक मैदान है और उसे लोग देखने के लिए बाहर बाहर से आते हैं और काफ़ी सारी प्रोग्रामें वहाँ होती है और बड़े बड़े नेता लोग भी वहाँ आते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं इस रूप में और लोगों को, जनता लोगों को काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपना प्रचार करने के लिए लोग आते हैं गांधी मैदान। तो चलता हूँ गाइस, मैं आप लोगों को गांधी मैदान दिखाऊंगा। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं रमना रोड से और जाते हैं आगे, और ये हमारी रास्ता है, ये गाड़ी है हमारी, इसे जा रहा हूँ मैं आगे। तो गाइस ये थोड़ा जाम चल रही है जिसके कारण हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं, और ये हमारे एक भाई है जो कि टोटो से हमें लेकर जा रहे हैं गांधी मैदान। और ये क्या आप बता सकते हैं कितने किलोमीटर है यहाँ से गांधी? यहाँ से 2 किलोमीटर है। और ये हर समय यहाँ पर जाम रहती है क्या? ये कभी कभी होती है, कभी कभी होती है। तो आप यहाँ रेगुलर चलते हैं क्या? गार्ड साहब हैं जो कि गाड़ी को थोड़ा जाम रहने के कारण रूट चेंज कर दिए हैं और हम लोग जा रहे हैं इस गति से धीरे धीरे। फाइनली हम लोग PMCH के पास पहुंच चुका हूं और ये हमारे सामने PMCH की गेट है और यहां से हम लोग रोड को चेंज कर कर आगे गांधी मैदान की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। लेकिन यहां पर तो काफ़ी जाम है, इसके कारण काफ़ी स्लो से गाड़ी चल रही है। फाइनली हम लोग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और ये हमारे पीछे गांधी मैदान है, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ी मैदान है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्रामें होती है। और ये हमारे पास कुछ भाई मिले जो कि बैठे हुए थे यहाँ पर, मैं उनसे कुछ पूछता हूँ। क्या भाई, यहाँ पर आप लोग आए हैं तो क्या यहाँ पर आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो पटना पहला बार आए हैं जी। हम स्टूडेंट जी, तो यहाँ पे मतलब पढ़ाई के मकसद से आए हैं जी। जी हम लोग अभी सुबह ही आए थे जी, बस पटना उठना सुबह भी घूमे थे जी। और ये दूसरा बार है, क्योंकि अच्छा लगा हमको जी, हम दूसरा बार आए हैं यहाँ। तो शाम को यहाँ पर बहुत सारी खेले होती है, लोग आकर खेलते हैं शाम, और सुबह को मॉर्निंग वॉक भी लोग आकर करते हैं। क्या आप भी आते हैं क्या यहाँ? नहीं, हम तो आज ही सिर्फ आए हैं, दूसरे जगह से आए हैं। बस यहाँ पर आप लोग कुछ टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आप आए हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये लोग हैं कुछ आए हैं यहाँ पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए और यहाँ पर बैठकर काफ़ी अच्छी महसूस कर रहे हैं ये लोग, देख सकते हैं। और ये हमारे पीछे गांधी मैदान है, ये काफ़ी बड़ी देखने में लगती है, विशाल है। और आगे चलकर मैं आप लोगों को गांधी जी की स्टैचू भी दिखाऊँगा। और ये अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं ये गांधी मैदान। ये गाइस अभी मैं गांधी मैदान के जस्ट बीच में हूँ और ये गांधी मैदान है, यहाँ आया हूँ मैं आप लोगों को और कुछ दिखाता हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें। और गांधी जी की खासकर जो स्टैचू बनी हुई है उसे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो देखकर आप लोग काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगेगा देखकर उस गांधी जी के स्टैचू को, बहुत पुरानी है ये। वो सामने आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा वाइट का, जिसमें कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ पर झंडा फहराई जाती है और परेड होती है इसी मैदान में, और काफ़ी भीड़ लगती है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ, आप देख सकते हैं वो। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी जो कि बिस्कोमान भवन के नाम से जाना जाता है, और वो सामने एक SBI की बिल्डिंग है जो कि SBI का बहुत बड़ा ब्रांच है वो। गांधी जी के स्टैचू के पास आ चुका हूँ, अब वो हमारे सामने गांधी जी के स्टैचू दिख रही होगी और सामने जाकर मैं आप लोगों को अच्छी से दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ बॉक्स टंगी हुई है, इसमें एट नाइट रात को मूवी लगती है, लोग आकर देखते हैं, बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और ये गांधी मैदान है, देख सकते हैं ये पूरी गांधी मैदान आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ गांधी मैदान,
कि इस गांधी जी के स्टैचू के पास, और ये सामने हमारी स्टैचू है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा मोटा एक पार्क है, यहाँ पर लोग आकर अपने टाइम व्यस्त करते हैं। ये देखिए सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये काफ़ी बड़ी काफ़ी विशाल है। ये देखिए गांधी जी की स्टैचू है और ये कुछ लिखी हुई है जो कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, और आपको पढ़नी होगी तो इसे आप पढ़कर देख सकते हैं कि क्या लिखी हुई है। ये देख सकते हैं, और मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाकर और अच्छे से दिखाता हूँ। गांधी जी के स्टैचू के जस्ट नीचे ये लिखी हुई कुछ बातें, इसे आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर एक छोटी मोटी पार्क भी है, यहाँ पर लोग आते हैं और कुछ कुछ छोटी मोटी कार्यक्रम भी यहाँ पर हो जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखेंगे, और जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट ला सकूं। तो ये एट लास्ट आप लोग देख सकते हैं ये पूरी गांधी जी की स्टैचू बैक साइड से।